गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में समनी टाइप अपने जोई लीवरेज में एम एक सम अपने करायो है, थीअरी ऑलरेडी पूरी थी गई है। बीजो सम है तमने रकम ऑलरेडी टेलिग्राम में मोकलावी दीधी है। शालिग्राम कंपनी लिमिटेड ने 5 लाख रुपया मूड़ी थी नवो प्लांट नाखो है। कंपनी की व्याज ने करवेरा पहला वार्षिक कमाणी 75,000 रुपया थवानी शक्यता है। कंपनी मूड़ी माटे ऑर्डिनरी शेर और देवु ऊभु करवा मागे छे। देवु ऊभु करवा मागे छे एटले डिबेन्चर थया। कंपनी 1 लाख रुपयानु अथवा 2,50,000 रुपयानु अथवा 3 लाख रुपयानु देवु ऊभु करवा मागे छे। शेरनो बजार भाव एटले के दार्शनिक किंमत, दार्शनिक किंमत क्यों के बजार भाव क्यों, आ चेप्टर पूरतुं तमारे बे एक ज गणवानुं छे। रुपया 20 छे। देवु ऊभु करवाने कारणे शेरना बजार भाव पर कोई फेर पड़े तेम नथी, ई माहिती वधारानी छे, दाखला में एनो कोई उपयोग तमारे नथी। ऊंचीनी मूड़ी पर व्याजनो दर नीचे प्रमाणे छे। 1 लाख सुधी 10%, 1 लाख थी वधु परंतु 2 लाख सुधी 12% अने 2 लाख थी ऊपर 20%। कंपनीनो हेतु शेरदीठ वधु में वधु कमाई करवानो छे। करवेरानो दर 50% धारवानो छे। तो उपरोक्त त्रणेय नाणाकीय विकल्पोमांथी क्यो विकल्प कंपनीए पसंद करवो जोईए के जेथी शेरडीट कमाणी वधुमां वधु थाय। अहींया तमारे सेम वस्तु ज करवानी छे, शेरडीट कमाणी ज गोतवानी छे। शेरडीट कमाणी गोती लीधा पछी छेल्ले तमारे तमारो अभिप्राय लखवानो आवशे। अभिप्रायमां तमारे एवो अभिप्राय पसंद करवानो आवे, एवो विकल्प पसंद करवानो आवे के जेमां शेरडीट कमाणी वधुमां वधु रहेती होय। क्यों विकल्प पसंद करवो जोईए अथवा विकल्प अंगे तमारो अभिप्राय आपो एम के, एटले तमारे मानी लेवानुं शेरडीट कमाणी तमारे गोतवानी छे। अगाउ सम करायो तो ईज टाइपनो सम छे, मात्र फेर एटलो छे के अगाउमां डिबेन्चर पर व्याज जे गणवानुं हतुं एमां 4 अलग अलग स्लेब हता। कया कया स्लेब हता? 10 लाख सुधी, 10 लाख थी 20 लाख, 20 लाख थी 25 लाख अने 25 लाख ऊपर। ज्यारे अहींया 3 विकल्प छे अने 3 स्लेब छे। 3 स्लेब में तमारे व्याज गणवानुं आवशे अने व्याज जे छे ई गण्या पछी मूड़ी माळखुं गणतरी में लई लीधा पछी छेल्ले शेरडीट कमाणी तमारे जे चोखी आवक अने चोखी कार्यकारी आवकनो अभिगम आपणे शीखी गया ई प्रमाणे तमारे करवानुं आवशे। हवे बीजुं मूड़ी माळखानी ज्यारे गणतरी करीए त्यारे एक तमे ध्यान राखजो, कुल मूड़ी 5 लाख रुपयानी ऊभी करवानी छे। एमां 1 लाख, 2 लाख 50,000 अथवा 3 लाखना डिबेन्चर बहार पाड़े, एटले एनो अर्थ एम थाय के बाकीना जे छे ई इक्विटी शेर कंपनी बहार पाड़े छे, जो कोई स्पष्टता न करी होय तो। एटले पहला आपणे मूड़ी माळखुं छे ई बनावी लईए। विकल्प देवानी रकम, देवानी रकम लखशो के डिबेन्चर नी रकम लखशो एक ज वस्तु थशे। इक्विटी मूड़ी शेर नो भाव અને શેરની સંખ્યા, વિકલ્પ તમને 3 અલગ અલગ વિકલ્પ આપેલા છે। પહેલા વિકલ્પની અંદર 1 લાખ રૂપિયાના ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે। કુલ મૂડી કેટલી છે? 5 લાખ। तो कुल मूड़ी 5 लाख रुपया हो तेरे 1 लाख रुपया शेर बहार पड़ता हो तो इक्विटी शेर मूड़ी के 4 लाख रुपया नी थाय। 4 लाख शेर नो बजार भाव 20 रुपया, एटले शेर नी संख्या तमारे छे ई 4 लाख भाग्या 20 एटले 20,000 रुपया, 20,000 शेर नी संख्या आवशे। बीजा विकल्प नी अंदर 2,50,000 ना डिबेन्चर बहार पड़े छे देवानी रकम, तो इक्विटी शेर 2,50,000 थाय कारण के कुल मूड़ी तमारी 5 लाख रुपया छे। शेर नो बजार भाव 3 विकल्प में अहींया आवी रह्यो छे 20 रुपया, एटले 12,500
शेर की संख्या तमारी थाय अने त्रीजा विकल्प की अंदर 3 लाख ना डिबेंचर बार पड़े छे तो 2 लाख ना इक्विटी शेर थया 20 रुपया बजार भाव ने 10,000 इक्विटी शेर की संख्या आ तमारी शेर की संख्या तमारे गोताई गई शेर की संख्या गोताई गया पछी हवे तमारे बीजा विकल्प की अंदर शू करवानुं छे शेर दीठ कमाई गोतवा शू तमारे माटे जोईए नफो जो है एट्ले कि कार्यकारी आवक माथी तमारे इक्विटी शेरहोल्डर माटेनो नफो जोवे अने इक्विटी शेरहोल्डर माटेनो नफानी साथे साथे शेर की संख्या जोवे शेर की संख्या अहींया तमने मळी गई हवे तमारे शू गोतवानुं छे कार्यकारी नफो कार्यकारी आवक तमने आपेली छे एमांथी शू गोतवानुं छे तमारे इक्विटी शेरहोल्डर माटे वधती आवक तो इक्विटी शेरहोल्डर माटे वधती आवक माथी कार्यकारी आवक आपी छे एमांथी डिबेंचरनुं व्याज बात करीने करवेरा बात करवा पड़े तो डिबेंचर नु ब्याज हती तमारी पासे छे खरू पण स्लेब प्रमाणे आपेलू छे 1 लाख सुधी 2,50,000 सुधी ने 2,50,000 ऊपर ई रीते आपेलू छे एटले तमारे अगाउ जेम गण्युं हतुं एम डिबेंचर ऊपर ब्याज गणवुं पड़े डिबेंचर ऊपर ब्याज एमां विकल्प एक मां 1 लाख रुपया सुधीना डिबेंचर छे एना उपर 10% तमारे व्याज गणवानुं छे अने कंपनी पहेलामां 1 लाखना डिबेंचर बहार पाड़े छे एटले 1 लाख उपर 10% एटले 10,000 रुपया तो कुल व्याज केटलुं थयुं 10,000 रुपया थयुं बराबर विकल्प एक त्यां आगळ तमारो पूरो थयो विकल्प बे में केटलाना डिबेंचर बहार पड़े छे 2,50,000 ना हवे 2,50,000 माटे तमने बीजो स्लेब आपेलो छे ई तमारो उपयोग में लेवो पड़शे कारण के पहला स्लेब में तो 1 लाख सुधीना डिबेंचर नुं व्याज आप्युं छे बीजा में 2 लाख सुधी केटलुं व्याज आणे कीधुं 1 लाख थी वधु परंतु 2 लाख सुधी 12% एटले 1 लाख थी वधु परंतु 2 लाख सुधी 12% ई तमारे लई लेवानुं एटले पहेलो विकल्प लई लईए 1,10,000 2,50,000 ने अत्यार ध्यान में राखजो पहलो विकल्प जो है यहाँ तमे अहीं 1 लाख ने ध्यान में राख्या था बीजा विकल्प की अंदर आ 2,50,000 ने ध्यान में राखवा 2,50,000 माथी 1 लाख ना डिबेंचर पर तमे व्याज की गणतरी कर लीजिए एटले 10,000 हवे बीजो स्लेब एने शुं आप्यो छे 1 लाख थी वधु परंतु 2 लाख सुधी એટલે 1 લાખ થી 2 લાખ એ કેટલા ટકા છે 12% એટલે ગુણ્યા 12% પણ 1 લાખ થી 2 લાખ એટલે રકમ કેટલી થાય 2 લાખમાંથી 1 લાખ જાય એટલે 1 લાખ રકમ થાય 1 લાખ રકમ ઉપર 12% વ્યાજ એટલે 12,000 રૂપિયા વ્યાજ તમારું થાય હવે તમે જુઓ પહેલા 1 લાખ પછી બીજામાં 1 લાખ એટલે 2,50,000માંથી 2 લાખ તમે લઈ લીધા આ 1 લાખ અને આ 1 લાખ એ 2 લાખ થઈ ગયા હવે માત્ર 50,000 રૂપિયા વધે 50,000 રૂપિયા માટે તમારે ત્રીજા સ્લેબનો ઉપયોગ કરી લેવો પડશે કારણ કે રકમ હજી ડિબેન્ચરની બાકી છે અને વ્યાજના સ્લેબ પૂરા થઈ ગયા તમારા એટલે ત્રીજા વિકલ્પની અંદર 2 લાખથી વધુ એટલે રકમ કેટલી થાય 50,000 જ હવે તમારા વધે છે એટલે એના કેટલા ટકા કરવા પડે 50,000ના 20% 50,000ના 20% એટલે 10,000 રૂપિયા થાય તો હવે 10 ને 12 22 22 ને 10 32,000 રૂપિયા ટોટલ વ્યાજ થયું આ બીજો વિકલ્પ તમારો પૂરો હવે વિકલ્પ નંબર 3 વિકલ્પ નંબર 3માં કેટલાના ડિબેન્ચર બહાર પાડે છે 3 લાખ રૂપિયાના તો આ બે તમારે સ્લેબ જે છે એ લઈ લેવા પડે પહેલાં 1 લાખ એના 10% એટલે 10,000 પછી 1 લાખથી વધુ પરંતુ 2 લાખથી ઓછું એના કેટલા ટકા 12% એટલે 12,000 હવે જો તમારા બે વિકલ્પ ઉપયોગમાં લેવાઈ ગયા ત્રીજો સ્લેબ જે 2 લાખથી ઉપર છે એ બાકી રહ્યો
હવે 2 લાખ થી ઉપર જે છે એમાં ઘટે કેટલા આ 1 લાખ અને આ 1 લાખ તમારા 2 લાખ થઈ ગયા 2 લાખ માં 1 લાખ જ તમારે ઘટે છે એટલે 1 લાખ રૂપિયા માટે ત્રીજો જે સ્લેબ છે 20% વાળો ઈ તમારે લેવો પડે એટલે 1 લાખ ના 20% એટલે 20000 રૂપિયા એટલે ઈ થાય તમારા 42000 આ તમારું 3-3 વિકલ્પનું વ્યાજ જે છે એ આવી ગયું પહેલા વિકલ્પનું કુલ વ્યાજ 10000 રૂપિયા બીજા વિકલ્પનું કુલ વ્યાજ 32000 રૂપિયા અને ત્રીજા વિકલ્પનું કુલ વ્યાજ 42000 રૂપિયા ધ્યાન રાખજો એક્ઝામની અંદર આવો સમ પૂછાવાની શક્યતા છે એટલે જ પહેલા આ શરૂ કરાવ્યા છે પૂછાયેલો છે એક કે બે વખત કુલ તમારા 3 વિકલ્પના વ્યાજ જે છે એ તમને મળી ગયા હવે તમારે શું કરવું પડે હવે તમને જે ચોખ્ખી કાર્યકારી આવક આપેલી છે એ ચોખ્ખી કાર્યકારી આવકમાંથી તમારે ડિબેન્ચરનું વ્યાજ બાદ કરવાનું કરવેરાની રકમ બાદ કરવાની ને જે ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર માટે વધતો નફો આવે એનાથી શેરની સંખ્યાને ભાગવાનું શેરની સંખ્યાથી એને ભાગો એટલે તમને શેર દીઠ કમાણી છે એ તમને મળે પહેલાં આ બે ગણતરી ફરજિયાત તમારે દર્શાવવી પડે આ બે ગણતરી તમે દર્શાવો પછી તમને આગળ ગણતરી જે છે એ થઈ શકશે જોઈ લ્યો એક વખત બરાબર હવે જે ગણતરી છે શેર દીઠ કમાણીની એ ગણતરી તમને બીજા વિડીયો લેક્ચરની અંદર અપલોડ કરું છું